या फिर ये कहा जा रहा है कि बाहर से आए लोग जो है हिमाचल में गलत तरीके की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह ने ये मुद्दा भी उठाया था कि इस पूरे इलाके में जहाँ पर मस्जिद है और आसपास के एरिया है वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो सेफ नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वहाँ पर हिमाचली एक व्यक्ति के साथ यहाँ पर मारपीट की गई थी, जिसको लेकर ये बवाल बढ़ा था और वहाँ के लोग इसीलिए नाराज़ हुए थे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें किन लोगों का हाथ है और यहाँ पर किस तरीके से अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बड़ी संख्या में सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे, पूरे शिमला में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, ऐसे में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प देखने को पहले मिली और अभी फिलहाल माहौल शांत नजर आ रहा है, लेकिन कभी भी ये जो पूरा प्रदर्शन है वापस से उग्र हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, पुलिस की बैरिकेटिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाला गया और तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ढली की जो पुरानी टनल है वहां पर, इसी बीच फिर से यहाँ पर देखिए प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया, प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे थे तो यहाँ पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल जो करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारी देखिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी धुन में नाचते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके कुछ भी करने से हम आज पीछे नहीं हटने वाले, हमें मजा आ रहा है, आप और पानी डालिए। इस तरीके के यहाँ पर जो है तस्वीरें सामने आ, देखिए यहाँ पर युवा हैं, महिलाएं हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है मौजूद है। हालांकि यहाँ पर देखिए कि अभी पूरी फोर्स से ये पानी प्रदर्शनकारियों पर नहीं डाला जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर पूरी फोर्स से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, हम हमेशा ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर जितने लोग हैं उनको पीछे जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर अभी भी पुलिस जो है देखिए पीछे, अब देखिए फिर से लाठीचार्ज भी शुरू हो गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो भी शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी खुद ही यहाँ पर भीगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि और ज्यादा पानी हम पर डालिए, लेकिन आज ये लोग पीछे नहीं हटने वाले नजर आ रहे हैं, यानी ये प्रदर्शन अभी और लंबा खिंचने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से तैयारी अपनी कर कर आएंगे, देखिए यहाँ पर सभी के हाथ में छाता भी नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर अपने सामने लगाकर पानी से बचाव के लिए ये तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मस्जिद की तरफ जब प्रदर्शनकारी बढ़े, बैरिकेटिंग तोड़ी गई, लेकिन अब प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर अब यहाँ पर इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई। तो मस्जिद को लेकर अब एक बार फिर से प्रशासन और जनता में आर पार नजर आ रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि माहौल अभी ठीक नहीं है, प्रदर्शनकारियों को वहाँ आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। मस्जिद के इर्द गिर्द भी यहाँ पर जो है फोर्स लगा दी गई है, अलग अलग इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। रात को 4 बजे से ही माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो रहा था, क्योंकि आज हिंदू संगठन ने यहाँ पर जो है बंद का ऐलान भी किया था और इसके अलावा प्रदर्शन की भी बात कही थी। अब देखिए प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से यहाँ पर गीले हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है और अब पूरी फोर्स से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए किस तरीके से